साल के लिए फिजिकल करके चार साल के नौकरी करें, 21,000 सैलरी पे आप ही जॉब करते हैं, आपका 2 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपए एक मंत्री को, उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित है, वो देश क्या बाढ़ में जाएगा? ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब भड़ुआ बैठे हुए ऊपर, इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है? मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का, जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद है, मंजूर है, हम मरेंगे।